तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं यहां पर डाटा एंट्री के बारे में, जो डाटा एंट्री का यहां पर आज के पेपर कटिंग में दिया था प्रभात खबर के पेपर कटिंग में, जिस पेपर कटिंग के माध्यम से आपको कुछ यहां पर जानकारी देने वाला हूं। यहां पर डाटा एंट्री का बहाली कब का यहां पर बहाली था और इसका मेरिट लिस्ट आया है अथवा नहीं, और इसका बहाली अगला कब से स्टार्ट होगा और इसका कैसे कैसे इसका प्रक्रिया, सारा जानकारी देने वाला हूँ। जिसको मैं पेपर कटिंग में बताया उसी के माध्यम से मैं कुछ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस तरह का नोटिफिकेशन अगर पाना हमेशा चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा जो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो इस तरह का जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर ने किया प्रदर्शन। यहाँ पर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर 2020 से अब तक नियोजन नहीं करने का आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। अभ्यर्थियों ने यहां पर बताया कि बेल्ट्रॉन की ओर से वर्ष 2019 के अप्रैल में मांगे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन के लेकर अप्रैल 2019 में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई थी। इसमें लगभग 3 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया। इसके बाद नवंबर दिसंबर 2019 में दो चरण में हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग के साथ CVT परीक्षा आयोजित की गई थी, यानी कि CVT कंप्यूटर बेस्ड यहां पर एग्जाम दिया गया था। इसके बाद यहां पर आयोजित की गई थी। इसके बाद मार्च 2020 में परिणाम जारी करते हुए 7311 यानी कि समझिए यहाँ पर 7311 पोस्ट का यानी कि 2019 से ही लेकर चलते आ रहा है अभ्यर्थियों का पैनल बनाया गया। इन अभ्यर्थियों का अब तक नियोजन नहीं किया गया है, जबकि विभिन्न विभागों में काफ़ी युवाओं की नई नियुक्ति के लेकर पहले ही घोषणा की जा चुकी है लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं की गई है। बेल्ट्रॉन के MD संतोष मल ने बताया कि बेल्ट्रॉन विभिन्न विभागों से आने वाली नियोजन की अधियाचना कर हमारे स्तर से पहले से तैयार मेगा सूची के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया की जा रही है, यानी कि इसका सभी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, सूची भी तैयार हो गया है। ऐसे में इसी प्रकार की देर नहीं की जाती है और अभ्यर्थी का पहले से ही मेगा सूची तैयार है। जैसे विभिन्न विभागों की ओर से डेटा एंट्री ऑपरेटर की अधियाचना प्राप्त होगी यानी कि मांग होगी, जिस तरह से यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग होगी, जैसे इन सभी का पैनल यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा यानी कि मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर और दिया गया है कि वहाँ तुरंत नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर मौके पर संजय कुमार, राकेश कुमार, अमित कुमार सनी अन्य मौजूद थे यहाँ पर। यानी कहने का मतलब कि जो डाटा एंट्री का जो बहाली 2019 में निकला था 7311 पोस्ट पर निकला था, जिसमें सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम CBT हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो भी है सभी कराया गया था, सभी फाइनल हो चुके हैं और उन सभी का मेरिट लिस्ट भी बन चुका है, लेकिन उन लोगों का अभी तक यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा गया है। तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए ही यहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। तो इन सभी का यहाँ पर उम्मीद है कि जल्द ही यानी कि फरवरी मंथ अभी चल रहा है, मार्च से अप्रैल तक उम्मीद है कि आप सभी का यहाँ पर जितने भी 7311 अभ्यर्थी हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाली के लिए, इन सभी का यहाँ पर हो सकता है कि जल्द ही जल्द आप सभी को पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताया जा रहा है वही मैं बता रहा हूँ। तो अगला नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो मैं आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से सभी यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।